इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और आपको इसकी लत लग सकती है। कृपया इसे जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर करें अथवा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। धन्यवाद। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो मैंने यहाँ से एक बाय का ट्रेड लिया क्योंकि इस एरिया से रिजेक्शन आ रहे थे, तो चांसेस है कि मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक बाय का ट्रेड लिया है। वेट करते हैं। और अगर आप कैंडल को देखोगे, प्रीवियसली कैंडल देखोगे, तो उसने एक न्यू हाई भी मारा था, तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अगर रेड भी बनेगा तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, तो वेट करते हैं। अभी इसके अंदर 8 सेकेंड बाकी है। तो ठीक है, हमारा ये ट्रेड विन हो गया। मैं अगेन यहाँ से बाई करूंगा क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सेलर जो है वो वीक हो चुके हैं और इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो मैं यहाँ से एक बाय का ट्रेड लिया है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरा, इसलिए एंट्री इस टाइप से लग रही है। वेट करते हैं। इसमें भी सेम वही रीजन है, इसको कोई ड्रॉ करके बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसी रीजन से यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लिया है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन है और अगर जो कैंडल देखेंगे उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो चांसेस है कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, तो वेट करते हैं। इसके बाद एक लास्ट ट्रेड बचेगा हमारा। वो मार्केट एक तरह का देखो साइड वे भी चल रहा है और यहाँ पर हो सकता है कि KMM टाइप का पैटर्न भी बना दे फिलहाल के दोनों मार्केट। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारा विन हो जाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग गया है, वो बायर्स भी आ रहे हैं फिलहाल के दोनों यहाँ पर। तो ठीक है, मेरा ये ट्रेड भी विन हो चुका है। मैं यहाँ पे जितने भी ट्रेड ले रहा हूँ सिर्फ रिजेक्शन रिजेक्शन पे ही ट्रेड लूंगा। अगर ठीक है मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया तो ऊपर से भी मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है और एक राउंड नंबर भी है, तो मार्केट उस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर मुझे मार्केट में अच्छी मार्जिन सेफ्टी के साथ मिला तो यहाँ से मैं वापस से सेल का ट्रेड ले लूंगा। सिर्फ मैं यहाँ पर जो भी ट्रेड ले रहा हूँ सिर्फ वीक वीक के देखकर ही ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक राउंड नंबर है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन खा रहा है, तो यहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया है और ये भी यहाँ पर एक राउंड नंबर के नीचे ही क्लोजिंग देगा क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, और एक राउंड नंबर भी, और अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री में भी देखोगे तो इस एरिया से रिजेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, सिंपल सा ट्रेड है। ठीक है, तो वेट करते हैं, 18 सेकंड बाकी है। और जिनको भी आईके ऑप्शन या बायनोमो किसी में अकाउंट खोलना है, ओपन करना है, तो उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां पर जाकर आप अकाउंट खोल सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। तो आप भी मतलब ऐसे रिजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, बस इसमें ऐसा रहेगा कि आपको मार्जिन सेफ्टी अच्छी चाहिए। तो अगर आप मार्जिन सेफ्टी के साथ जहाँ पर रिजेक्शन ज्यादा रिजेक्शन दिख रहे हो, तो वहां पर आप मार्जिन सेफ्टी के साथ एक ट्रेड ले सकते हो। और ट्राई यही करना कि छोटे अमाउंट से कंपाउंडिंग करो और उसको थोड़ा मतलब बड़ा करो अमाउंट को, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो उसमें आपका लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे पेज को भी रिफ्रेश कर दिया है। और जिनको भी मेरी पेड क्लास चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पेड क्लास की डिटेल्स ले सकते हो। टेलीग्राम की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो इसकी वजह से रिफ्रेश होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वेट करते हैं यहाँ पर क्योंकि रिफ्रेश होने में बहुत ज्यादा ही नेट स्लो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेरा रिफ्रेश हो गया है पेज को भी। मैं आपको अपना रियल और जो डेमो अकाउंट वो भी बता देता हूँ। ये मेरा रियल और डेमो अकाउंट है। ठीक है, पेज को भी अपडाउन कर देता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।